मेरा टोटल पोर्टफोलियो कुछ 80 टू 85 लाख का बन चुका है एंड ऑन एन एवरेज मेरे को हर साल 2 से 3 लाख डिविडेंड्स में आते हैं फ्रॉम ऑल द 30 स्टॉक्स दैट आई ओन. सो हियर इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय पोर्टफोलियो एंड सम ऑफ द Hi guys, my name is Kuvar Raj and प्यार से लोग मुझे कोई मल्टीबैगर स्टॉक बताओ बुलाते हैं. On a serious note, I am one of the founders at Unfinance along with Amit and ये हमारी पहली YouTube video है. So please show some love and subscribe to our channel and also hit the bell icon ताकि आपको हर video की notification आ सके. हम हर रोज YouTube पर एक short video डालते हैं and from now on we are also making long and useful videos on financial information ताकि you can take smart financial decisions and become financially more literate. Anyways, इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पैसिव इनकम बना सकते हो एंड ये जो 7 तरीके इस वीडियो में आने वाले हैं सब मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल इंसिडेंट्स से हैं. सो नो ज्ञान एंड ऑल रियल स्टफ एंड आई प्रॉमिस हर पॉइंट के साथ मैं प्रूफ और स्क्रीनशॉट्स डालूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये बंदा बस ज्ञान देने आया. अरे एडिटर भाई रुक जाओ, पहले कॉन्टेक्स्ट तो सेट करने दो. बेसिकली आई लव स्लीपिंग, मुझे सोना बहुत पसंद है. इनफैक्ट जब कोई पोजीशंस बोलता है तो आपके दिमाग में आता होगा 69 मिशनरी या डॉगी स्टाइल या फिर वो गाना बजता होगा पोजीशंस वाला स्विच इन. मैं आपको पता है मेरे दिमाग में क्या आता है? फ्री फॉलर, सोल्जर या फेस डाउन. ये सब क्या है? ये सब स्लीपिंग पोजीशंस है. यू नो मुझे 1 लाख से ज्यादा क्या पसंद है? जब आप एक गहरी नींद में सो रहे हो एंड एकदम से आपकी नींद खुल जाए एंड आप अपने फोन पे देखो कि अभी बस 6 बजे हैं एंड यू हैव 2 more hours टू स्लीप. सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट यू गेट द पॉइंट राइट. आई लव स्लीपिंग. तो जब मैं 19 साल का था एंड आई वाज स्टडिंग फाइनेंस इन कॉलेज, By the way, I am from Shahid Sukhdev College of Business Studies and Amit, he is from IIT Roorkee. तो मैं एक दिन बेड पर बैठकर पढ़ रहा था कि वॉरेन बुफे मेक्स ₹10,000 एवरी सेकेंड. बेसिकली अगर वो हर रोज 8 घंटा सोते हैं, जब वो अगले दिन सुबह उठते हैं वो 30 करोड़ ज्यादा अमीर होते हैं एवरी मॉर्निंग. एंड आई वॉज लाइक वॉट द हेल मैन, यू कैन मेक मनी वाइल स्लीपिंग एंड सोना तो मुझे बहुत पसंद है. So I became extremely curious. तो मैंने रिसर्च चालू करी एंड मुझे पता चला कि वॉरेन बुफे स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वाज 11. बेसिकली उन्हें बहुत सारे साल लग गए टू बिल्ड सो मच पैसिव इनकम. सो मैंने अपने लिए एक गोल सेट कर लिया कि अगर वॉरेन भाई हर सेकंड 10,000 कमा सकते हैं तो मैं एटलीस्ट हर मिनट 10 रुपए का गोल तो रखूं तो मैं पैसिवली कमा सकता हूं. सो फॉर पर्सपेक्टिव दैट इज ₹4,32,000 पर मंथ एंड इस वक्त मेरा बस 30% गोल कंप्लीट हुआ है, दैट इज ₹1.5 लाख पर मंथ पैसिवली. पिक्चर अभी बहुत लंबी है तो मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं सो दैट हम सब साथ फाइनेंशियल नॉलेज लर्न कर सके एंड ऑल ऑफ अस कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम टुगेदर. चलो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं. सो इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा कि आप कैसे पैसिव इनकम करा सकते हो. आई विल रेट ऑल ऑफ दी 7 वेज कि वो कितना ईजी है स्टार्ट करने में, कितना मनी मेकिंग पोटेंशियल है उसके लिए, कितना पैसा आपको इनिशियली चाहिए टू स्टार्ट दैट पैसिव इनकम आइडिया एंड ऑल्सो आपकी कितनी टाइम कमिटमेंट लगेगी टू मेक दीज इनकम आइडियाज वर्क फॉर यू. वीडियो एंड तक देखना प्लीज, आई प्रॉमिस नो ज्ञान एंड नो प्रीची स्टफ. ऑल ऑफ दीज आइडियाज कम फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मैंने या मेरे बहुत क्लोज दोस्तों ने एक्सपीरियंस करे. रीसेलिंग डोमेन नेम्स. ऑनेस्टली मैं डोमेन नेम से पैसा कमाने को कभी भी सीरियसली नहीं लेता था अंटिल वन डे आई गॉट दिस मेल दैट समवन वांटेड टू बाय वन ऑफ माय स्टार्टअप डोमेन्स फॉर 5 लाख रुपीज एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया यार. एंड फिर मैंने वेरीफाई किया एंड असली में वो एक रियल बायर था. ऑब्वियसली हमने वो डोमेन नेम नहीं बेचा क्योंकि उस टाइम उस स्टार्टअप की वैल्यू 5 लाख से बहुत ज्यादा थी. बट आई थॉट टू माय सेल्फ अगर एक डोमेन नेम के लिए कोई 5 लाख की बिड लगा सकता है तो ये तो कोई भी डोमेन नेम हो सकता था. एंड मोर डोमेन नेम्स आई बाय there will be chances I can sell them later at a higher price. And as you know, domain names तो internet का real estate बन चुका है. I have seen so many domain names recently selling for lakhs of rupees जो कि किसी ने 1,000 या 2,000 रुपए के खरीदे थे. But ऐसे aimlessly domain names खरीदना is very stupid. तो क्या करें हम? So here is my advice to everyone जो कि domain names reselling से पैसा कमाना चाहता है passively. So look for international startups जो early stage हैं
बट आगे जाके बहुत चांसेस हैं कि वो इंडिया में आके एक्सपैंड कर सकते हैं एंड उनका .in या .co.in का डोमेन नेम ले लो. फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स एंड वीवर्क दोनों के .in वेबसाइट्स हैं. इमेजिन बाइंग दीज डोमेन नेम्स बैक व्हेन दी स्टार्टअप्स वर यंग. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका प्रोसेस क्या है. फर्स्ट, सबसे पहले आपको डोमेन नेम खरीदना है या रजिस्टर कराना है. इसके लिए आप गोडैडी जैसी वेबसाइट्स पर जा सकते हो एंड यू कैन इजीली सर्च कि क्या वो डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं. सेकंड, बिफोर बाइंग अ डोमेन नेम प्लीज चेक ये तीन चीजें. फर्स्ट, इट शुड नेवर बी अ ब्लैकलिस्टेड डोमेन. सेकंड, नेवर बाय अ डोमेन फॉर मोर देन इट्स वर्थ. एंड थर्ड, नेवर बाय अ डोमेन विद बैड हिस्ट्री ऑन गूगल. ट्राई टू बाय दोज नेम्स जिनका टॉप लेवल डोमेन यानी TLD पॉपुलर है. फॉर एग्जाम्पल .com, .in, .io या फिर आजकल .ai भी बहुत पॉपुलर हो रहा है. चेक कि क्या वो डोमेन नेम SEO फ्रेंडली है भी कि नहीं. बेसिक क्राइटेरिया तो चेक है कि उसकी कम से कम 200 कीवर्ड सर्चेस होनी चाहिए गूगल पे पर मंथ. अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अनप्राइवेटाइज करो whois.com पर जाकर. ये बेसिकली बताता है कि एक स्पेसिफाइड डोमेन नेम का ओनर कौन है. चलो लेट्स से आपने 100 डोमेन नेम्स खरीद लिए. नाउ व्हाट? अब स्ट्रेटजी क्या है? हाउ डू आई मेक मनी फ्रॉम दिस बाय सेलिंग दिस डोमेन्स? फर्स्ट है बाय एंड होल्ड मेथड. जैसा साउंड करता है एकदम वैसा है. ये एक स्लो तरीका है जिसमें आप बहुत सारे डोमेन नेम्स खरीद लेते हो एंड यू वेट फॉर समवन टू बाय इट फ्रॉम यू. या फिर आप एक्सपेक्ट करोगे फ्यूचर में जाके उस डोमेन नेम की वैल्यू बहुत बढ़ जाए या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी या स्टार्टअप वो डोमेन आपसे खरीद ले. सेकेंड, आप अपने डोमेन नेम का ऑक्शन करा सकते हो. दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेलिंग योर डोमेन. बस अपना डोमेन नेम आप GoDaddy के ऑक्शन पे लिस्ट करो एंड ये ऑक्शन GoDaddy पर 30 दिन चलता है. जब कोई भी उस डोमेन नेम में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए वो बिड कर सकता है. थर्ड और मेरा फेवरेट, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल या स्टार्टअप माइंडसेट से आते हो तो आप एक प्रोडक्ट या वेबसाइट बना सकते हो. बेसिकली एक मार्केट प्लेस जहां पे जो भी आपके डोमेन नेम्स हैं वो आप लिस्ट कर सकते हो एंड पीपल कैन बाय एंड सेल डोमेन नेम्स. नाउ कम्स द मेन पार्ट, हाउ मेनी डोमेन नेम्स शुड यू बाय एंड इसमें कितना पैसा और टाइम कमिटमेंट लगेगी. सो फॉर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन ऑन एन एवरेज 400 से 2000 रुपए लगते हैं एंड रिन्यूअल में अराउंड 700 टू 4000 रुपीस पर ईयर लगते हैं. आई रेकमेंड कि आप एटलीस्ट 100 डोमेन नेम्स खरीदने से स्टार्ट करो. तो स्टार्टिंग कॉस्ट इस पैसिव इनकम आइडिया की होगी 1 लाख रुपीस. फर्स्ट पॉइंट, हाउ इजी इज इट टू गेट स्टार्टेड? सो इसको मैं 5 में से 5 दूंगा क्योंकि बहुत इजी है. आपको बस डोमेन नेम्स खरीदने हैं, लिस्ट करने हैं एंड यू कैन सेल इट एट एन ऑक्शन. सेकंड, ईज ऑन मेकिंग मनी. मैं इसको 2/5 दूंगा बिकॉज कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड एज सच है नहीं जिसपे आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है कि ये डोमेन नेम बिक ही जाएगा. थर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट. इट्स हाई बिकॉज हर साल जो आप डोमेन नेम खरीद रहे हो उसका रिन्यूअल कॉस्ट भी लगता है एंड उसको मेंटेन करने के लिए वेबसाइट जो भी आप होस्टिंग करें उस सब की कॉस्ट लगती है. बट टाइम कमिटमेंट वेरी लो. आपको कोई एक्टिवली काम नहीं करना टू मेंटेन द डोमेन नेम. सेकेंड, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड्स. ये सबसे पैसिव तरीका है टू अर्न इनकम. इनफैक्ट अगर आप अच्छे इंडेक्स फंड्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो ओवर टाइम आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हो जो आपको रेगुलरली पैसिव इनकम देता रहे. इनफैक्ट ये वॉरेन बफे की मेन पैसिव इनकम सोर्स है. नंबर्स पे आते हैं. अगर आपको 50,000 रुपीज पर मंथ की पैसिव इनकम कमानी है तो आपको कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी ऑन एन एवरेज 10% पर एनम का इन्वेस्टमेंट रिटर्न पाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सो इस हिसाब से आपको अराउंड 50 to 60 lakhs का पोर्टफोलियो बनाना है ताकि आप मंथली 50,000 की इनकम बना सको या फिर ईयरली 6 लाख की इनकम बना सकते हो. ऊपर से इस पे 2 से 3% के डिविडेंड्स भी आ जाएंगे तो आपके 1.5 lakhs एडिशनली डिविडेंड्स में भी पैसिव इनकम बन सकती है. सो एट दिस पॉइंट इन माय करियर आफ्टर 6 years ऑफ रेगुलरली इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक्स एंड इंडेक्स फंड्स मेरा टोटल पोर्टफोलियो कुछ 80 टू 85 लाख का बन चुका है एंड ऑन एन एवरेज मेरे को हर साल 2 से 3 लाख डिविडेंड्स में आते हैं फ्रॉम ऑल द 30 स्टॉक्स दैट आई ओन. सो हियर इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय पोर्टफोलियो एंड सम ऑफ द पॉपुलर स्टॉक्स दैट आई हैव इन माय पोर्टफोलियो एंड सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ द डिविडेंड्स दैट आई गेट रेगुलरली एवरी ईयर. सो सम गुड स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एफल, LT फूड्स, धामपुर शुगर, कोल इंडिया एंड ITC फॉर मेनली डिविडेंड्स. एंड मैंने वीकली एक SIP लगा रखी है इन 2 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. चलो बेसिक्स पे आते हैं. हाउ इजी इज इट टू गेट स्टार्टेड? I'll say 5/5. इट इज वेरी इजी टू जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग. आपको एक डीमैट अकाउंट और एक मोबाइल ऐप चाहिए जिससे आप 1 सेकंड के अंदर एक नया स्टॉक खरीद सकते हो. सेकंड, ईज ऑन मेकिंग मनी. इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंपाउंड योर मनी. थर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट. दिस इज वेरी लो. एक बार आपने स्टॉक या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड खरीद लिया आपको रेगुलरली कोई कॉस्ट नहीं देनी.
time commitment, I'd say low to medium based on how much active research you want to do in investing. Agar aap ek bahut busy person ho, then you can just invest in good index funds and expect a 10 to 12% ka average return over years. But agar aapko isse zyada return chahiye, then aapko kafi time commitment dalna padega. Very important, money needed to start investing. Ye ek passive income source hai, but isko build karne ke liye aapko ek side mein active income zarur chahiye, because aapko ek achha khasa portfolio banana hai 50 se 60 lakh ka, tab jaake aap monthly 50 se 60 हजार रुपए कमा सकते हो passively from stocks and mutual funds. Third, earn commission by selling software or technology products. ये बहुत interesting तरीका है to generate passive income. For this आपको sales, business development, लोगों से बात करना and उन्हें convince करना extremely ज़्यादा पसंद होना चाहिए. So like real example से start करते हैं. Shobhit Goyal, a very dear friend and ex-colleague, जो मेरे साथ मेरे last startup Invoid में काम करते थे as a sales consultant. So at Invoid, I was the co-founder and CEO, and हमने एक KYC automation tool बनाया था, जो कि हम बहुत सारी fintech companies में integrate करते थे, ताकि उनका user onboarding, identity verification और KYC automate हो सके. And we raised $1.4 million from Y Combinator and a lot of other US-based investors. And वहाँ पे हमारा annual recurring revenue $1.2 million cross कर गया था. So we sold our product to more than 40 companies in India, and Shobhit, with zero tech or coding experience, built a semi-passive income. 2 lakh से ज्यादा जस्ट हमारा प्रोडक्ट बेच के एंड हमारे कुछ क्लाइंट्स को मेंटेन करके. कैसे क्या शोभित नहीं है? सो शोभित रीच आउट टू अस जब हम बहुत यंग थे. हमारा मंथली रेवेन्यू बस कुछ 5 लाख रुपए का था एंड हमारे कुछ 4-5 कस्टमर्स थे एंड शोभित का सेल्स में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. तो हमारा एक हाई नेट मार्जिन प्रोडक्ट था वेर वी वर अर्निंग अ नेट मार्जिन ऑफ अराउंड 40-45% एंड हम अफोर्ड कर सकते थे शोभित को उसमें से 10-15% देना. तो शोभित गॉट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फॉर अस एंड हर मंथ जो सेल्स होती थी उसपे से वो 10-15% लेते थे एज कमीशन फॉर गेटिंग दोस क्लाइंट्स एंड रेगुलरली मेंटेनिंग देम. सो लाइक आई मेंशनड व्हेन शोभित जॉइंड अस हमारा मंथली रेवेन्यू वाज 5 lakhs and he was there जब हमारा मंथली रेवेन्यू 80 लाख पहुंच गया था एंड उसपे से 20-25 lakh शोभित लाए थे एंड मेंटेन कर रहे थे. सो टिपिकली वो हर महीने 2-2.5 lakh कमा रहे थे हमारे लिए हमारे क्लाइंट्स मेंटेन करके और सेल्स करके. अपॉर्चुनिटी इज मैसिव. आजकल बहुत सारी फिनटेक एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रही है एंड दे आर रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स उनको प्रोडक्ट बनाना आता है बट कैसे बेचे वो बिल्कुल आइडिया नहीं है. तो अगर आप लिंक्डइन से लीड जनरेट करने में अच्छे हो या फिर आप अच्छे ईमेल कैंपेन्स चला सकते हो देन रीच आउट टू दोस कंपनीज जिनके पास पैसा और अच्छा प्रोडक्ट है एंड आप उनकी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन सकते हो. जस्ट लुक एट शोभित फॉर एग्जाम्पल. उन्होंने सिर्फ हमसे 2-2.5 lakh पर मंथ की पैसिव इनकम कमाई बट साथ में वो 3-4 और कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी बेच रहे थे. सो ऑन एवरेज वो 4-5 lakhs पर मंथ कमा रहे थे बाय जस्ट गेटिंग न्यू क्लाइंट्स एंड मेंटेनिंग देम. बेस्ट पार्ट, शोभित ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग जो पैसे वो कमा रहे थे ऑन द साइड एंड उससे और पैसिव इनकम बनाने लग गए. चलो अब मेन पार्ट में आते हैं. हाउ इजी इट इज टू गेट स्टार्टेड. अगेन 3-on-5, medium easy. सबके पास एक sales या फिर communication या फिर convince करने का skill set नहीं आता but I feel it can be learnt over time. Second, ease on making money. I feel it is slightly tough because it's not very easy कि आप एक product ढूंढ लो जो high net margin का है और फिर उसको बेच भी लो. इसमें काफी मेहनत लगती है to set up a base. थर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट. आई थिंक हाई बिकॉज आपको मंथली सारे क्लाइंट्स को मेंटेन करना है, उस पर टाइम भी बहुत जाएगा. विच कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइम कमिटमेंट. आई वॉन्ट से इट्स अ कंप्लीटली पैसिव इनकम, इट्स अ सेमी पैसिव इनकम बट मच लेस टाइम कमिटमेंट इसमें चाहिए दैन अ फुल टाइम जॉब. लास्ट पॉइंट, मनी नीडेड टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ पैसिव इनकम. आई थिंक 5-on-5 वेरी इजी. आपको भी पैसा नहीं चाहिए, बस थोड़ा टाइम, स्किल सेट और कमिटमेंट चाहिए टू सेटअप अ क्लाइंट बेस जिससे आपको रेगुलरली मंथ ऑन मंथ कमीशन आते रहे. फोर्थ, बिल्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. ओके, लास्ट वाले में मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक टेक या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा सकते हो, बट अगर आपके पास टेक्नोलॉजी, कोडिंग या डेवलपमेंट की स्किल्स हैं या फिर आपके नेटवर्क में इंजीनियर्स और डेवलपर्स हैं, देन आप खुद एक वेबसाइट, ऐप या प्रोडक्ट बना सकते हो ऑन द साइड एंड मोनेटाइज इट. एंड ट्रस्ट मी, इसमें भी एक सेमी पैसिव इनकम बनाना पॉसिबल. इसमें मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने अनफाइनेंस स्टार्ट किया 2020 के एंड में, हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया जिसमें इन 2-3 months वी गॉट अराउंड 10,000 फॉलोअर्स. नाउ हमने इंस्टाग्राम पे एक सर्वे रन किया उन 10,000 फॉलोअर्स से कि क्या चीज मिसिंग है फाइनेंशियल वर्ल्ड में व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट जो उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत मुश्किल लगती है. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड कि फाइनेंशियल न्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबे लंबे आर्टिकल होते हैं मनी कंट्रोल या ईटी पे. सो वी चेक्ड द मार्केट, देयर वाज नो ऐप जो कि स्टॉक रिकमेंडेशंस यू नो एक समरी में देती है और न्यूज 60 words या 50 words में देती है, जैसे इन शॉर्ट्स देती है जनरल सारी न्यूज का. तो हमें लगा काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो वी बिल्ट द अनफाइनेंस ऐप इन 2 months विच वॉज बेसिकली लाइक द इन शॉर्ट्स फॉर फाइनेंस. इसमें फाइनेंस, बिजनेस, क्रिप्टो न्यूज को हम समराइज करते हैं और एक स्टॉक रिकमेंडेशन सेक्शन है जहां पे सारे ब्रोकर्स या एक्सपर्ट्स जो रिकमेंडेशन देते हैं डेली वो अच्छे से
नीट यूआई में कंपाइल होकर आ जाते हैं. यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड टेल अस हाउ यू लाइक इट. बट लेट्स कम टू द मेन पार्ट. हाउ डिड वी बिल्ड द ऐप? एंड टेक्निकली मेरे पास जीरो स्किल्स है. मेरे को कोडिंग नहीं आती, मेरे को ऐप बनाना नहीं आता, मेरे को यू नो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं आती. बट मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंड मैंने 4 साल एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कंपनी चलाई एज दी को फाउंडर एंड सीईओ. सो आई हैड बिल्ड द नेटवर्क ओवर इयर्स. सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू स्टार्ट एंड बिल्ड द अनफाइनेंस ऐप. एंड लकली आई हैव माई को फाउंडर अमित हु इज फ्रॉम IIT रुड़की एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड. सो जो उसमें डिजाइन स्क्रीन एवरीथिंग यू आर सीइंग इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड नेटवर्क दैट बोथ ऑफ अस हैव. तो हमने क्या किया, वी हायर 2 डेवलपर्स जो हमारे साथ पहले हमारे पुराने स्टार्टअप में भी काम कर चुके हैं. एंड ऑब्वियसली हमने 2 महीने लगाए ये पूरी ऐप को डिजाइन करने में, इसको लॉन्च करने में. एंड हमने ऐप का बेस्ट वर्जन नहीं लगाया, हमने बस वो वर्जन निकाला जो लोगों को तब चाहिए था. एंड ओवर टाइम हमने उसमें डेवलपमेंट्स कर करके उसको इम्प्रूव किया है. चलो मेन बात पे आते हैं, हम कितना पैसा कमाते हैं इससे. ओवरऑल वी जनरेट अराउंड 3 to 4 lakhs पर मंथ फ्रॉम एड्स जो हम फिनटेक ब्रांड्स साथ पार्टनर करके अपनी ऐप पे लगाते हैं. एंड इट इज ग्रोइंग एज आर यूजर बेस एंड एंगेजमेंट एंड रिटेंशन इज ग्रोइंग ऑन आवर ऐप. ओके, हाउ इजी इट इज टू गेट स्टार्टेड? लाइक आई सेड, वेरी डिफिकल्ट. आई वुड से 1 on 5 बिकॉज आपको एक या तो डेवलपमेंट की स्किल आनी चाहिए या फिर आपके नेटवर्क में लोग होने चाहिए जो आपको हेल्प कर सके टू बिल्ड दिस ऐप. सेकंड इज ऑन मेकिंग मनी. 2 on 5, इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड मोनेटाइज इट. बट अगर आपका प्रोडक्ट बन जाता है, पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, दे विल डेफिनेटली पे फॉर यू. और वो जो इनकम बनती है वो बहुत स्केलेबल होती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग अ गुड टेक प्रोडक्ट जो पीपल एक्चुअली यूज करते हैं. थर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम. आई वुड से अगर एक बार टेक का प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको मेंटेन करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना उसको बिल्ड करना या फीचर ऐड करने में लगता है. फोर्थ, टाइम कमिटमेंट हाई व्हेन बिल्डिंग द ऐप, लो वंस द ऐप इज बिल्ड, ताकि आप सारा काम डेलीगेट कर सकते हो. मनी नीडेड टू जनरेट पैसिव इनकम, सिंस इट्स अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, आई वुड से 3 on 5 मीडियम. मतलब आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, या बहुत कम भी नहीं कि आप अकेले बैठ के कर सको. फिफ्थ, फ्रीलांस टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स. ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन क्लिक करो. सो हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड फ्रीलांसिंग टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स? ये मेरा फेवरेट है. इंडिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी लो. इंडिया में 1 लाख कमाना इज वेरी डिफिकल्ट. बट अगर आप US, सिंगापुर, यूरोप, दुबई यहां पे रहते हो तो दिस इज लेस देन द एवरेज मंथली इनकम. एंटर अमित, माय को-फाउंडर एट अर्न फाइनेंस. ही इज फ्रॉम IIT रुड़की एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइनर्स आई हैव सीन इन माय लाइफ. He is an expert at UI and UX. तो अमित को अपने स्किल की रियल वैल्यू तब पता चली जब वो एक फिटनेस ऐप की स्क्रीन पे यहाँ पे काम कर रहे थे एंड उसके उन्हें इंडिया में बस 1 लाख मिल रहे थे एंड ही गॉट 5 lakh rupees फॉर द सेम स्क्रीन फॉर अ क्लाइंट इन द US. His mind was blown कि ये क्या हो गया यार, मतलब मैं 5x कमा सकता हूँ doing the same stuff for a client outside India. And this is true for almost all products when it comes to software, design, राइटिंग, जो भी ऐसी फ्रीलांसिंग जॉब्स है, ये इंटरनेशनली आपको बहुत अच्छा पे कर सकती है. मेन पॉइंट पे आते हैं, आपके पास एक स्किल है, आपने एक स्किल डेवलप कर ली जो रेडी हो आप टू सेल टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, बट आप करो कैसे? सो मेरे एक्सपीरियंस में बिल्ड अ किक-ऐस प्रोफाइल. आई थिंक लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट, जहां पे आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो या प्रोफाइल बना सकते हो. एवरीवन इज ऑन लिंक्डइन दीस डेज एंड लिंक्डइन इज गेनिंग ट्रैक्शन लाइक एनीथिंग. एंड वहां पे एक्चुअली आप अच्छी जॉब या अच्छा फ्रीलांसिंग क्लाइंट ला सकते हो अगर आप अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाने पे फोकस करो. अब आपको उन कंपनीज पे फोकस करना है जो कि आपकी स्किल को वैल्यू कर सकती है एंड हु कैन पे यू फॉर योर स्किल. Always keep in mind whenever you're selling a product or your skill to someone, go to companies जिनके पास पैसा है to you know pay that. So probably only approach those companies जिनने last 1 year में एक अच्छा खासा funding round उठाया है या फिर आपको पता है उस company का अच्छा revenue है, वो अच्छे तरीके से grow कर रही है. Because like I'm telling you, same website या same product के कोई आपको 30,000 rupees भी दे सकता है, कोई आपको 2 lakh rupees भी दे सकता है. Basically आपको उनकी worth जाननी है कि वो कितना उनके लिए important product है और उनकी paying capacity क्या है. कुछ चीजें जो आप कर सकते हो, first is understanding the pain point of your customer. Second, attend global events. जैसे मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त और एक स्टार्टअप फाउंडर है हु इज बिल्डिंग अ प्रोडक्ट इन द फिटनेस कैटेगरी. तो अभी US में बहुत बड़ा एक फिटनेस एक्सपो है, तो वहां पे वो जा रहे हैं सो दैट दे कैन इवैल्यूएट उनका प्रोडक्ट या स्किल वहां पे कितनी वैल्यूएबल है एंड दे कैन पोटेंशियली गेट अ लॉट ऑफ पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट देयर. सो सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स गोइंग टू बी टू गेट इंटरनेशनल वर्क आर अपवर्क, फिवर, अगेन लिंक्डइन, देन देयर इज टॉपटल, बिहांस, ट्रिबल. कईयों के आपके प्रीमियम वर्जन आपको लेने पड़ेंगे, बट आई रिकमेंड अगर कहीं से आपको पैसा आ रहा है देन स्पेंड एंड बाय प्रीमियम या फिर प्रो वर्जन ऑफ दैट ऐप. सो फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रो यूजर ऑफ लिंक्डइन फॉर द लास्ट 2 or 3 years एंड आई हैव जनरेटेड मोर देन 10 करोड़ इन रेवेन्यू फ्रॉम लिंक्डइन अलोन. सो नाउ मेन पार्ट पे आते हैं, हाउ इजी इट इज टू गेट स्टार्टेड. 5 on 5 अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्किल है और आपको आप इंडियन कस्टमर्स या इंडियन क्लाइंट्स को उसको ऑलरेडी बेच रहे हो. 2 or 3 on 5 अगर आपको स्किल सीखना पड़ेगा और फिर उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा. सेकंड, इज ऑन मेकिंग मनी. अगेन आई फील मीडियम टफ, इट इज नॉट एज इजी टू गेट एन इंटरनेशनल कस्टमर टू pay you. Third, maintenance cost. I feel it is medium because once you get a client, आप
प्रेफर करोगे आप वो क्लाइंट आपको वापस पैसा दे, तो इट्स नॉट लाइक अ वन टाइम ट्रांजैक्शन, आपको क्लाइंट्स को खुश रखना है। नेक्स्ट टाइम कमिटमेंट हाई, इट्स नॉट लाइक अ कंप्लीटली पैसिव इनकम, आपको फ्रीलांस वर्क करना पड़ेगा। मनी नीडेड टू जनरेट पैसिव इनकम, वेरी लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट जनरेटिंग पैसिव इनकम बाय फ्रीलांसिंग टू इंटरनेशनल क्लाइंट। सिक्स्थ, रन इंस्टाग्राम फेसबुक और गूगल एड्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ओके, सो माय बेस्ट फ्रेंड्स एल्डर ब्रदर इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिटी आर्टिस्ट। ही हैज अ कंपनी जो बहुत सारे इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट्स, रेस्टोरेंट में ग्राफिटी वॉल्स पेंट करना, स्नीकर कस्टमाइजेशंस, जिम या ऑफिसेस की वॉल में ग्राफिटी करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। दे आर वेरी स्किल्ड एट द वर्क, बट जहां वो स्ट्रगल कर रहे हैं इज जनरेटिंग लीड्स वाया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ट्रस्ट मी, इंडिया में ऐसे हजारों स्मॉल बिजनेसेस हैं हु नीड हेल्प इन सोशल मीडिया, रनिंग एड्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड वहां पे आप बहुत पैसे कमा सकते हो जस्ट बाय हेल्पिंग देम डू दैट। बहुत इजी तरीका जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो इज फाइंड 3-4 गुड सोशल मीडिया एजेंसीज जो ऑलरेडी ये काम कर रही हैं लोगों के लिए या और बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया हैंडल करना, या फिर उनके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स चलाना। फिर लीड्स जनरेट करो इन स्मॉल बिजनेसेस के, एंड बीच में यू अर्न अ कट, यू नो, बाय कनेक्टिंग दीज टू पार्टीज। बट इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म स्किल एंड अ लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम, आप खुद सीखो कि कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल एड्स आप कर सकते हो, एंड कैसे आप एक प्रोडक्ट या फिर लीड्स जनरेट कर सकते हो बाय डूइंग दिस। एंड ट्रस्ट मी, बहुत पोटेंशियल है इस पे, क्योंकि काफी बिजनेस आजकल D2C में स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मींस दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स। आप शार्क टैंक ही देख लो, 100 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि कोई प्रोटीन वाली आइसक्रीम बना रहा है, कोई कोई रैंडम शू बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, और वो डायरेक्टली कस्टमर को अपनी वेबसाइट से बेच रहे हैं। अगर आप कोई अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका मेन सोर्स ऑफ लीड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल से ही होता है, बिकॉज ऑर्गेनिक ट्रैफिक शुरू में लाना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। इसको आप पैसिव कैसे बना सकते हो? आई वुड से एक वेबसाइट तो जरूर बना दो जहां पे कोई भी बिजनेस जिसको सोशल मीडिया या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स रन करनी है वो अपना शो कर सकता है, एंड यू कैन कनेक्ट देम टू अ गुड सोशल मीडिया एजेंसी। ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत काम है इंडिया में जहां पे आप सिर्फ 2 रेलेवेंट लोगों को कनेक्ट करके बीच में पैसा कमा सकते हो। हाउ इजी इट इज टू गेट स्टार्टेड? आई वुड से 5-on-5 वेरी इजी। ईज ऑन गेटिंग मनी, आई फील रिलेटिवली इजी। 4-on-5 आप बहुत आराम से स्टार्ट भी कर सकते हो और आप 10-30,000 रुपए कमा भी सकते हो। थर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट, आई वुड से मीडियम, क्योंकि आपको क्लाइंट्स मेंटेन करने और नए क्लाइंट्स लेके भी आने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एड चलाने का काम कर लिया, एक कैंपेन रन कर दिया, काम खत्म। आपकी जो रिव्यूज हैं पुराने कस्टमर के, वो काफी अच्छा धंधा लेके आते हैं आपके लिए आगे जाके। फोर्थ, टाइम कमिटमेंट, आई वुड से मीडियम टू हाई, बिकॉज आपको नर्चर करना है इन क्लाइंट्स को और यू नो इस पे टाइम लगाना है टू मेक दिस काइंड ऑफ पैसिव इनकम ग्रो। सेवेंथ, ये फाइनल वाला है, थंबनेल डिजाइनर। मेरी इस इनकम सोर्स से बहुत उम्मीद है। आई फील जो भी आप में से डिजाइन में अच्छा है आपको ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब और इंस्टाग्राम थंबनेल्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स। थंबनेल बनाना इज अ साइंस यार। देखो कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मौज, टिकटॉक, आई डोंट नो व्हाट नॉट, सब में कितनी टाइप की पोस्ट हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, रील्स, carousels, and every social media platform has a discover या explore section जहाँ पे नए content creators या फिर नए influencers discover होते हैं, and उसका एक बहुत important aspect है कितना attractive या clickable वो thumbnail है। So thumbnail ऐसी चीज है जिसपे देख के लोग YouTube video या Instagram reel पे click करते हैं, and इसको कहते हैं click through rate। So this really measures कि क्या क्या percentage of लोग आपका thumbnail देख रहे हैं and उस पर फिर click भी कर रहे हैं। So thumbnail में कितने relatable elements हैं, how catchy it is, you know what is the thing that makes the thumbnail unique from so many other thumbnails, कितना अच्छे तरीके से वो डिजाइन हुआ है, मतलब there are so many things, and हमने majorly जो Instagram पे अपनी ग्रोथ करी है, a lot of it is dependent on how attractive our thumbnail is, and उसके अंदर obviously then content and actual real value comes, but we need more people to see our video to get feedback कि क्या चीजें हैं content में जो चल रही हैं। So if you're a good designer, thumbnail designer is a very attractive opportunity to make good money. So I've seen कि कई लोग, कई famous YouTubers या influencers एक thumbnail के 5,000 रुपए तक दे रहे हैं। तो अगर आप इसका एक प्रोडक्ट या फिर इसको आप अपना एक इनकम सोर्स बना सकते हो, अगर आप महीने के 10 थंबनेल भी डिजाइन करो तो आप 20-50,000 कमा सकते हो, बेस्ड ऑन किस, अगेन, किस इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर के पास आप जा रहे हो। एंड इसमें भी सेम आइडियोलॉजी काम आएगी, अ क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज मेकिंग गुड मनी और हैज फॉलोअर्स, वो आपको पे करेगा on giving them a good quality thumbnail, because उसके वीडियो की सक्सेस इस थंबनेल पे काफी हद तक डिपेंडेंट भी रहती है। लास्ट एडवाइस, कैच इन्फ्लुएंसर्स early in their growth journey. Try to study trends, try to look at all kind of influencers. जैसे आजकल finance influencers बहुत बढ़ रहे हैं, so try to reach out to those influencers जो आपको लगता है आगे जाके बहुत बड़े होंगे, and try to catch them young. Thank you guys for sticking around. हमारी पहली YouTube video थी, please comment करो कि आपको video पे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो please हमारे channel को subscribe करो, क्योंकि हम अपने content quality को काफी ज्यादा improve करेंगे in the coming days. And जैसा कि हमने कहा कि हम हर रोज एक YouTube short video डाल रहे हैं, and हम
हर मंथ दो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो पक्का डालेंगे विच विल हैव यूजफुल इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको हमारे और प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट देखना है देन डू चेक अस आउट ऑन इंस्टाग्राम वेयर वी पोस्ट अ लॉट ऑफ क्वर्की फनी रील्स, डू चेक अस आउट ऑन ट्विटर वहां पे हम काफी मीम्स या फिर काफी ट्रेंडी कंटेंट डालते हैं मेनली ऑन फाइनेंस। वी हैव आवर ओन मोबाइल ऐप एज वेल व्हिच आई लाइक आई मेंशन्ड जो फाइनेंशियल न्यूज समरीज कोलेट करता है इन 60 वर्ड्स। वी ऑलरेडी हैव 3 to 4 lakh पीपल हु डाउनलोडेड द ऐप एंड वी हैव मोर देन 5 lakh पीपल ऑन आवर इंस्टाग्राम। Thank you so much again. See you again on the next video.